वक्त की रेत पर कदमों के निशान मिलते हैं, जो चले जाते हैं वो लोग कहाँ मिलते हैं। अलविदा ऋषि सर। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ऋषि कपूर का आज यानी कि 30 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में हम लोग एक सामान्य सा परिचय देखेंगे, क्योंकि ये आपके फिल्म जगत के बहुत बढ़िया किरदार निभाने वाले एक एक्टर थे। तो इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ऋषि कपूर साहब के बारे में। ठीक है, कल जैसा कि आपको पता होगा कि 29 अप्रैल को इरफान खान की का निधन हुआ। उसके बाद 30 अप्रैल यानी कि आज आपके कपूर साहब का निधन हो गया। ये हैं आपके कपूर साहब। तो हम लोगों ने इरफान साहब के बारे में भी जाना था, आज हम लोग कपूर साहब के बारे में भी जानेंगे। ऋषि कपूर साहब के जन्म की बात करें हम लोग, तो इनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। क्या है ये? हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। वह एक बाल कलाकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही आपका 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने उनकी पहली फिल्म में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अब हम लोग व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, ऋषि साहब के व्यक्तिगत जीवन की। तो ऋषि कपूर स्वर्गीय राज कपूर के बेटे और पृथ्वी राज कपूर के पोते हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए। मेरा नाम जोकर, यह उनकी पहली फिल्म थी। ऋषि कपूर साहब की पहली फिल्म कौन सी थी? मेरा नाम जोकर, जिन्होंने उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था। इसमें क्या, मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था, जो किशोर अवस्था में अपने टीचर से ही प्यार करने लगता है, परंतु बॉबी फिल्म में बतौर अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 20 सॉरी इनका 22 जनवरी 1980 को हुई। तो ऋषि कपूर की शादी किससे हुई थी? नीतू सिंह से। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह। इनकी शादी 22 जनवरी 1980 को हुई। इनके दो बच्चे हैं, एक रणवीर कपूर जो कि एक अभिनेता हैं आप जानते होंगे, और दूसरी है रिधिमा कपूर जो एक ड्रेस डिजाइनिंग है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर इनकी दो भतीजियां हैं। ठीक है, इनके बेटे का नाम रणवीर कपूर और बेटी का नाम रिधिमा कपूर जो ड्रेस डिजाइनर है, और करिश्मा जो कपूर हैं और करीना कपूर इनकी भतीजियां हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग फिल्मी करियर की, इनकी ऋषि कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत कब हुई देखते हैं। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए। 1970 में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने पिता के बचपन का रोल किया था, जो किशोर अवस्था में अपने टीचर से ही प्यार करने लगता है। हालांकि इससे पहले वह स्त्री
श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नज़र आ चुकी, जिसकी शूटिंग के लिए नरगिस को ऋषि को बहुत ही सी चॉकलेट देकर मनाना पड़ा था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में उनकी अपोजिट डिंपल कपाड़िया थी। ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लंच करने के लिए बॉबी बनाई थी। इस बात की हकीकत बताते हुए ऋषि कपूर ने कहा कि मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर के आर्थिक हालात बिगड़ चुके थे, जिसकी वजह से वह एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर पाए थे। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी, जिसके लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म पुरस्कार मिला था। अगर हम लोग ऋषि कपूर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इनकी फिल्म है जैसे 1970 में मेरा नाम जोकर, 1973 में इनकी यादों की बारात बॉबी, 1975 में राजा रफू चक्कर, 1976 में कभी कभी बारूद, लैला मजनू, रंगीला रतन, 1977 में चला मोरारी हीरो बनने, अमर अकबर एंथनी दूसरा आदमी, 1978 में नया दौर पति पत्नी और वो, बदलते रिश्ते, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, 1979 में झूठा कहीं का, सलाम मेम साहब और सरगम इनकी प्रमुख फिल्म थी। फिर 1980 में इनकी फिल्म आई धन दौलत, आपके दीवाने, दो प्रेमी, कर्ज, 1981 में नसीब, जमानी को दिखाना, 1982 में प्रेम रोग, ये वादा रहा, दीदार, 1983 में इनकी फिल्म आई कुली, 1984 में इनकी फिल्म आई दुनिया, 1985 में सितमगर, जमाना, सागर, तबायब, रही बदल रही इनकी फिल्म, 1986 में दोस्ती दुश्मनी, नसीब अपना अपना, 1987 में सिंदूर, हवाला, प्यार के काबिल, 1988 में घर घर की कहानी, विजय, हमारा खानदान, 1989 में इनकी घराना, हथियार, बड़े घर की बेटी, चांदनी, खोज, 1990 में आज़ाद देश के गुलाम, शेषनाग, अमीरी और गरीबी इनकी मूवी आई, 1991 में इनकी रणभूमि, अजूबा, घर परिवार, हिना, बंजारन, 1992 में हनीमून, बोल राधा बोल, दीवाना इनकी मूवी आई, 1992 में दामिनी, साधना इनकी मूवी आई, फिर 1993 में साहिबा, श्रीमान आशिक, इज्जत की रोटी इनकी मूवी आई, 1994 में घर की इज्जत, प्रेम योग, साजन का घर, ईना मीना डीका, 1995 में याराना, साजन की बाहों में, हम दोनों, फिर 1996 में इनकी मूवी आई दरार, प्रेम ग्रंथ, 1997 में कौन सच्चा कौन झूठा मूवी आई, फिर 1999 में जय हिंद, सन 2000 में कारोबार, राजू चाचा, 2001 में इनकी मूवी आई कुछ खाती कुछ मीठी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, 2002 में ये है जलवा मूवी आई, 2003 में कुछ तो है तहजीब ये मूवी आई इनकी, 2004 में हम तुम मूवी आई, 2006 में फना मूवी आई, 2007 में ओम शांति ओम और नमस्ते लंदन मूवी आई, 2008 में थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक हल्ला बोल, 2009 में प्यार आजकल हेल्दी सिक्स चिंटू जी बड़ी फेमस मूवी है, 2011 में पटियाला हाउस, टेल मी ओ खुदा, 2012 में इनकी जब तक है जान, अग्निपथ, 2013 में बेशरम
औरंगजेब, 2015 में शादी पुलाव, 2016 में सनम रे कपूर एंड सन्स इनकी मूवी, ये कुछ इनकी मूवी प्रमुख मूवी रही। अगर हम लोग इनके इन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें, ऋषि कपूर साहब को मिले पुरस्कारों की बात करें, तो 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार बॉबी फिल्म के लिए, और इनके अगर निधन की बात करें हम लोग मृत्यु की, तो इनका निधन 30 अप्रैल 2020 को, 30 अप्रैल 2020 को यह दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे अभी और कैंसर से पीड़ित थे। इनका निधन मुंबई में हुआ। ठीक है, तो ये छोटा सा परिचय था ऋषि कपूर साहब के बारे में।